नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जो बड़ी खबर आ रही है उनके बारे में। मैं आपको बता दूं दोस्तों, नोटिस के अकॉर्डिंग उनकी जो परीक्षा की तिथि है वो घोषित की जा चुकी है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि क्या जो परीक्षा की तिथि घोषित की गई है उसी दिनांक से आपकी परीक्षा होने वाली है या उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज़। ये दोस्तों आप देख सकते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिस दिखा रहा हूँ। ये जो नोटिस है दोस्तों, वह मैं आपको बता दूँ, डिपार्टमेंट सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं अपने यूनिवर्सिटीज़ के उनमें भेजा गया है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं निर्देशानुसार लेख है कि जो ग्रेडिंग या नॉन ग्रेडिंग स्कीम से सेमेस्टर आधारित सभी कला विज्ञान वाणिज्य स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवन्थ एवं एक सेमेस्टर एग्जाम दिसंबर 2021 हेल्ड इन अप्रैल 2022 की जो परीक्षाएं हैं वो आपके 21 अप्रैल 2022 से है वो आरंभ किया जाना प्रस्तावित है। यानी दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो बात हो रही है वो राजस्थान विश्वविद्यालय के चाहे स्नातकोत्तर के कला के हो, विज्ञान के हो, वाणिज्य के हो या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवन्थ और एक सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षाओं के दिनांकों को लेकर है। इस नोटिस के अनुसार दोस्तों 21 अप्रैल 2022 से आपकी है वो परीक्षाएं हैं वो प्रारंभ होने वाली है। और आगे दोस्तों जो विभागाध्यक्ष या प्राचार्य है उनसे ये कहा गया है कि 16 अप्रैल तक है आप उन विद्यार्थियों की सूची हमें पहुंचा दीजिए जिन जो योग्य छात्र है यानी जिन्होंने मिड टर्म या फिर इंटरनल असेसमेंट को है वो पास किया उनकी सूची मांगी गई है ताकि उन विद्यार्थियों का प्रवेश पत्र है वो अपलोड किया जा सके और वो विद्यार्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सके। तो सबसे बड़ी बात तो दोस्तों यही है कि नोटिस के अनुसार जो आपकी परीक्षाएं हैं वो 21 अप्रैल 2020 से है वो प्रारंभ होने वाली है। लेकिन दोस्तों जो मेरा अनुमान है अभी भी दोस्तों जो मेरा मानना है वो यही है दोस्तों कि आज आप देख सकते हैं 11 अप्रैल है वो हो चुकी है। लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय द्वारा दोस्तों इस समय तक जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ विश्वविद्यालय द्वारा है वो टाइम टेबल जारी नहीं किया गया है। तो 21 अप्रैल से परीक्षाएं हो पाना मुश्किल है और यदि विश्वविद्यालय 21 अप्रैल से परीक्षाएं करवाता है तो दोस्तों मेरे अनुसार वो बिल्कुल गलत है क्योंकि 11 अप्रैल आज हो चुकी है, विद्यार्थियों के पास अभी भी दोस्तों टाइम टेबल है वो अवेलेबल नहीं है। कम से कम आपको 15 दिन पहले तो है वो टाइम टेबल देना ही चाहिए। हालांकि यदि आदर्श कंडीशन माने तो दोस्तों वो तो ये है कि आप एक महीने पहले टाइम टेबल जारी करें, लेकिन कोविड के कारण मान सकते हैं कि इतना समय नहीं दिया जा सकता। फिर भी 15 से 20 दिन का समय कम से कम सभी विद्यार्थियों को परीक्षाओं से पहले है वो ज़रूर मिलना चाहिए जब वो टाइम टेबल डालते हैं उससे पहले। तो मेरा अभी भी यही मानना है कि मई के फर्स्ट वीक तक या अप्रैल के लास्ट वीक यानी 26-27 अप्रैल के बाद में आपकी परीक्षाएं हैं वो होनी चाहिए। बाकी दोस्तों विश्वविद्यालय पर डिपेंड करता है और कोई भी जानकारी अपडेट हमारे पास आती है तो आपको सबसे पहले हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। और यदि बात करूँ राजस्थान विश्वविद्यालय के स्नातक के बीए बीएससी बीकॉम के विद्यार्थियों की तो सबसे पहले फाइनल ईयर की विद्यार्थियों की परीक्षाएं अप्रैल के लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक से प्रारंभ कर दी जाएगी। उसका भी जल्द दोस्तों आप देखेंगे नोटिस आएगा। उसके बाद फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षा होगी और मई के थर्ड वीक तक है वो पीजी के विद्यार्थियों की भी परीक्षाएँ होना प्रस्तावित है। सारी अपडेट दोस्तों आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। राजस्थान के अन्य किसी भी विश्वविद्यालय से भी कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।